हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड और मैं हूँ हर्षिता आपके सामने। आज बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लीड कर रही हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है जैसे आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है तो चौथे हफ्ते या पाँचवें हफ्ते में आपको पता चलता है। और नॉर्मली पाँचवें हफ्ते में आपके फीटस के अंदर, आपके बच्चे के अंदर धड़कन बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर उसकी हार्ट बीट आ जाती है पाँचवें हफ्ते में तो आप समझ जाइए कि आप हेल्दी बेबी को, आपने आपकी स्टार्टिंग हेल्दी बेबी की हो चुकी है। उसका सही समय जो होता है वो 5 वीक के बाद उसकी धड़कन आ जाती है, तो वो एक पहली निशानी होती है। और ये पूरा जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 40 वीक का। जब गर्भावस्था का कंप्लीट टाइम जो 9 महीने का होता है वो 40 हफ्तों में अगर देखा जाए तो वो 40 हफ्तों की होती है। तो बहुत सारी महिलाएं डिलीवर कर भी देती हैं 39 वीक 38 वीक, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टू बॉडी। किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लग जाता है, कोई कोई बच्चे 41-42 वीक्स तक भी मतलब माँ के घर में रहते हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल सी बात है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज जो जेस्टेशन पीरियड माना जाता है वो होता है 40 वीक का। तो हर एक वीक अगर जो बेबी की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि उनका वेट बढ़ना, जैसे बॉडी का वेट हुआ, उनकी लंबाई हुई, उन सारे चीज़ों में अगर इंक्रीमेंट आ रही है, अगर वो अपने वीक के हिसाब से अगर उनके बॉडी का वेट और उनके लेंथ बढ़ रही है तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। तो और जैसे कि आप चौथे महीने में जब आप एंटर करते हो, जैसे कि 4 या 5 महीने में जब कोई प्रेगनेंसी, जैसे महिलाएं आगे बढ़ती हैं तब बेबी की मूवमेंट शुरू होती है, जो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इस पूरे प्रेगनेंसी की जर्नी में। तो अगर उसकी मूवमेंट, अगर बेबी की अगर नॉर्मल मूवमेंट है, अगर जब वो मीठा वगैरह कुछ खाती हैं या फिर ज़्यादा पानी वगैरह पीती हैं तो उनको अगर बेबी की मूवमेंट का पता चलता है तो वो भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। लेकिन हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं अपने 8वें महीने के अंतिम तक या 9वें महीने में, वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कोई एक स्पेस है, अगर उसमें बेबी अगर फुल्ली ग्रो हो गया है तो उसको स्पेस कम पड़ती है उसकी मूवमेंट करने में। तो 9वें महीने में अधिकतर महिलाओं को, अधिकतर क्या, मैक्सिमम लोगों को ये होती है शिकायत कि उनकी मूवमेंट कम हो गई है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उसके पास अंदर इतना स्पेस ही नहीं होता है कि बच्चा मूव कर सके। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई, ये सारी हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। किसी किसी महिलाओं को प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी का बहुत ज़्यादा होना, बैकएक होना, फिर उनको बहुत तरह की नौजिया वगैरह पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी होती है, तो वो सब एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप देखिए, आप बीमार नहीं हैं, आप गर्भावस्था के एक अवस्था में हैं, तो इसको आप बीमारी के तौर पे मत लीजिए कि ये हो रहा है। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये सारी जो निशानियाँ हैं एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानियाँ हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि मैंने हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानियाँ बताई, और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं मुझसे किसी भी तरह की क्वेश्चन पूछना तो मेरे किसी भी वीडियो में जाके आप, जिससे भी आपको, जो भी आपको कुछ पूछना हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी या फिर अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर आपके सामने शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्विंस माय वर्ल्ड। और जी हाँ, इसे सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।